हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी हैप्पी व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन की कलौंजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से बैंगन की कलौंजी बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हरे बैंगन लिए हैं, ये हाफ के जी है। इसे साइड से छील के अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, बैंगन में बीचों बीच चीरा लगाएंगे। सारे बैंगन में चीरा लगाने के बाद साइड कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, थोड़े से अदरक और 4 हरी मिर्च लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और फ्रेंड्स, आधा चम्मच गर्म मसाला। उसके बाद फ्रेंड्स, सभी मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसे फ्रेंड्स 3-4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल फ्रेंड्स गर्म हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, एक प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने के बाद फ्रेंड्स, जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे और फ्रेंड्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के अच्छे से कम आंच पे ढक देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। फ्रेंड्स, इसे प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे।
फ्रेंड्स, उसके बाद बैंगन में जो हमने चीरा लगाया था उसमें मसाले जो है वो थोड़े थोड़े से अच्छे से भर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारे बैंगन में जो है वो मसाले अच्छे से भर लिए हैं। फ्रेंड्स, बैंगन की कलौंजी जो है वो आप तवा पे भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, नॉनस्टिक पैन जो होता है उसमें भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कढ़ाई में बना रही हूँ, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और 2 चम्मच तेल डाल दिया है। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो जाने के बाद जितने भी बैंगन में हमने मसाले भरे थे सबको अच्छे से एक एक करके साइड साइड करके डाल देना है और फ्रेंड्स कम आंच पे अच्छे से ढक के पकाना है। फ्रेंड्स, बीच बीच में इसे पलटते रहना है ताकि ये बैंगन जो है वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं साइड साइड से पलटते रहने से अच्छे से चारों तरफ से बैंगन हमारा जो है वो पक रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैंगन की कलौंजी जो है वो बनके तैयार है और देख सकते हैं अच्छे से दब रहा है, मतलब अच्छे से पक गया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे पराठा से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, चावल दाल से खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।